नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती को नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों आदेश जारी हो चुके हैं। इसी सप्ताह के लास्ट तक दोस्तों आपके फॉर्म है वो शुरू होने वाले हैं अगस्त में ही। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तक इस परीक्षा को आयोजित करवाना है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड ने जैसा कि दोस्तों आदेश दिए हैं इस भर्ती को 3 से 4 महीने के अंदर पूरी आयोजित करवाना है। 2020 की ये भर्ती है दोस्तों। इससे पहले इस भर्ती में जो पद थे दोस्तों वो 1760 पद थे, लेकिन बाद में इस परीक्षा के आयोजन के बाद लीक मानते हुए इसे रद्द कर दिया गया। नए सिरे से इस परीक्षा का आयोजन किया गया है दोस्तों, और इसमें एग्जाम डेट, ऑनलाइन आवेदन, पदों की संख्या और नए सिरे से भर्ती को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपके 4000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। पहले आपके 1760 पदों पर ये भर्ती हुई थी, लेकिन बाद में लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 2020 की ये लिखित परीक्षा भर्ती है दोस्तों, और इस परीक्षा का आयोजन 19 मार्च 2020 को कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। वहीं गत 13 मार्च 2021 को इस परीक्षा का 2022 को माफ कीजिएगा परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसकी लिखित परीक्षा होने के बाद 18 मई को परिणाम जारी किया गया था, लेकिन याचिका लगाई गई दोस्तों, उसमें ये भी कहा गया कि इस भर्ती को निरस्त नहीं किया जाए, क्योंकि 3 जून 2022 को इस भर्ती को रद्द कर दिया था, क्योंकि दौसा के एक सेंटर पर डमी उम्मीदवार की परीक्षा देने के आधार पर यह परीक्षा रद्द की गई है। जबकि मामले में तो ना तो पेपर लीक हुआ है और ना ही डमी उम्मीदवार से दूसरे अभ्यर्थी पर कोई प्रभाव पड़ा है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इस जो भर्ती को लीक क्यों माना गया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लीक क्यों माना गया था। ये कारण था कि दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ थी वो 194 रही थी, OBC की कट ऑफ 224, EWS की 230, यानी कि इनकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी मुकाबले जनरल के, जबकि जनरल की सबसे ज़्यादा जाती, इसीलिए इस परीक्षा को बड़े स्तर पर लीक मानते हुए रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 1760 पदों से बढ़ाकर 4000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को आदेश दिए गए थे आज से लगभग 10-15 दिन पहले कि लिपिड ग्रेड द्वितीय के जितने भी रिक्त पद हैं उनकी सूचना भिजवाई जाए, ताकि पदोन्नति यानी कि जो टोटल पद हैं उनमें बढ़ोतरी करके 15 दिवस के भीतर पूर्ण यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी हो सकता है, और इस भर्ती को दोस्तों आदेश दिया गया था कि 3 से 4 महीने के अंदर इन पदों को भराया जाए। इन पदों पर दोस्तों जो भर्ती होगी ये आपके समस्त जिला एवं सेशन जो कोर्ट हैं वहाँ पर इन LDCO को लगाया जाएगा दोस्तों। LDC के इसमें आप देख सकते हो 3900 से 4000 के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में दोस्तों LDC की भर्ती ये रहने वाली है, और हाईकोर्ट विभाग ही इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाएगा। तो 1760 पदों के लिए अब नए सिरे से इस भर्ती विज्ञापन जारी होगा, और इसमें 2 लाख जो परीक्षार्थी पिछली परीक्षा में बैठे थे उनको इसके लिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फीस नहीं देनी होगी, उनकी फीस माफ़ रहेगी। नए विद्यार्थियों को इसमें फीस देनी होगी और आवेदन कर सकते हैं। तो 4000 पदों पर यह भर्ती आएगी दोस्तों अब लीक रद्द होने के बाद, और इस परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ये नए सिरे से परीक्षा का आयोजन होगा, इसमें ग्रेजुएशन पास छात्र आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करना, राजस्थान हाईकोर्ट LDC की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।